तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा आप अपने पेट के लिए कैसे छोटा सा रूम हीटर बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा घी का डब्बा इस्तेमाल किया है जो कि प्लास्टिक का है। आप कोई भी एल्युमिनियम का डब्बा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंट स्प्रे की मदद से यहाँ पर मैंने इसको ग्रे कलर का लुक दे दिया। आप एक्रेलिक कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैप में छोटा सा कट कर दिया जिसके वजह से यह छोटा सा मोटर फिट हो सके। ग्लू गन का मदद लेके मैंने यहाँ पर इसको चिपका दिया। आप एमसील भी यूज कर सकते हैं जो कि और भी बेटर रहेगा क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंस रहता है। कैप के पीछे कुछ होल बना देंगे जिसके वजह से यहाँ पर एयर सर्कुलेशन बने रहेगा और ये छोटा सा प्रोपेलर इसमें आसानी से फिट हो जाता है। डब्बा का पीछे का पार्ट यहाँ पर काट देंगे और इसको आयरन नेट के मदद से इसको चिपका देंगे। यहाँ पर मैंने ग्लू गन का इस्तेमाल किया जो कि बाद में मेल्ट हो जाता है इसको ऑन करते समय। आप एमसील यूज करेंगे और भी बेटर रहेगा। यहाँ पर मैंने 2 नट और 6 बोल्ट का इस्तेमाल किया है और ये रहा इलेक्ट्रिक हीटर का हीटिंग एलिमेंट जो कि आप बोल सकते हैं अच्छा क्वालिटी का निक्रोम वायर मिल जाएगा आपको 10 रुपये के अंदर में। आप ये किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप से आसानी से परचेस कर सकते हैं। सो गाइस, इसी तरह आप इसको फिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग आयरन के मदद को यहाँ पर होल बना दिया। आप ड्रिलिंग मशीन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये नट के एंड में 2 वोल्ट लगा देंगे जिसके वजह से यहाँ पर टिके रहेगा। और ये पावर सप्लाई के लिए 2 वायर, 9 वोल्ट बैटरी जिसके यहाँ पर हम ग्लू गन के मदद से चिपका देंगे। और ये 9 वोल्ट बैटरी का होल्डर यहाँ पर हम लोग स्विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को ये बहुत सिंपल रखना है। और ये 12 वोल्ट 5 एम्पियर का पावर सप्लाई। आप जितना भी ज़्यादा एम्पियर का पावर सप्लाई लेंगे उतना ही ज़्यादा और उतना ही जल्दी ये गर्म होगा। देखिए गाइस, ये कितना जल्दी गर्म होता है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो गाइस, ये वीडियो यहाँ एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए प्रोजेक्ट के साथ।